हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस तरह से ये पत्तेदार ये दिखता है हमें। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा सा बन के आता है। ये डिज़ाइन को आप लेडीज़ के किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं। फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर, जैकेट, बच्चों के किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं। जेंट्स के किसी भी स्वेटर में डाल सकते हैं। फुल स्वेटर, हाफ स्वेटर, शॉल, स्टॉल, कैप आदि में डाल सकते हैं। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको जो है फंदे लेने हैं, 8 के गुणा करके लेने हैं और जमा उसमें 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। जब भी आप फंदे डालेंगे आपने 8 8 करके काउंट कर लेने हैं। 8 8 8 करके लास्ट में आपके 3 फंदे एक्स्ट्रा बचने चाहिए। आपका डिजाइन किसी भी स्वेटर में एडजस्ट हो जाएगा। उल्टी साइड में सभी रो जो है इसकी उल्टी बनती जाएंगी। 24 सिलाई में ये बन के कम्प्लीट होगा। 24 सिलाई को आपने बार बार रिपीट करना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस डिजाइन को बनाना। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 8 के गुणा करके 24 और जमा 3 27 फंदे डाले हैं। 8 8 8 3 बार, तो 24 हो गए और 3 फंदे ये एक्स्ट्रा रखे हैं लास्ट में। तो आपने इसी तरह से फंदे डालने हैं 8 8 के गुणा करके। सीधी साइड से हमारा डिजाइन स्टार्ट होगा। 10 नंबर की सिलाई में इसे बनाऊंगी। फंदे डालने के बाद आपने बॉर्डर बना लेना है और सीधी साइड से स्टार्ट करना है। मैंने यहाँ पर उल्टी साइड से उल्टी रो बना ली है। फंदे डालने के बाद राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा जो है उतार लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये देखिए, इस फंदे को इस तरह से लेंगे और इस फंदे को भी ऐसे, 2 फंदे इस तरह से स्लिप करें, ऐसे नीडल डालेंगे बैक लूप से। ये हमारे इस तरह से बुने ऐसे। उसके बाद एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड करेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा, 2 फंदों का आगे की साइड से करेंगे फ्रंट लूप से ऐसे। 2 का 1 कर लिया। एस स्टिच को छोड़ दीजिए। यहाँ पर देखें, 2 4 6 8 8 फंदे यही आपने रिपीट करने हैं बार बार। फिर से रिपीट करेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। इस तरह से दोनों फंदों को उतारेंगे, इस तरह से सिलाई डालेंगे बैक लूप से, 2 का 1 करेंगे, एक सीधा, जाली डालेंगे यहाँ पर, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 का 1 फ्रंट लूप से करेंगे ऐसे। फिर से रिपीट करेंगे, 8 फंदों का डिजाइन, एक उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों को स्लिप करके इस तरह से बैक लूप से बनाएंगे। 2 का 1 किया, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक सीधा, फिर से जाली डाली, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से 2 का 1। उसके बाद हमारे 2 फंदे बचे हैं, एक उल्टा इसमें से, एच स्टिच इसे सीधा बना लेंगे इस तरह से। पहली सिलाई इसी तरह से आपने बना लेनी है। रो 1 कंप्लीट हो गई है। उल्टी साइड से दूसरी सिलाई। तो देखिए, उल्टी साइड से जो है, जो ये फंदा उल्टा बुना है, ये उल्टा, ये उल्टा और ये जो उल्टा बुना है वो यहाँ से सीधा बनाना है उल्टी साइड से, बाकी के फंदे उल्टे ही रहेंगे। तो देखिए, पहला फंदा उतारेंगे। अब ये फंदा उल्टा बुना था दूसरी साइड से, इस फंदे को आप सीधा बनाना है ऐसे, और बाकी के फंदे उल्टे, तो 7 फंदे उल्टे रहेंगे। 1 2 3 4
पाँच, छ, सात, सात फंदे उल्टे। ये देखें, पहला फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, सात फंदे उल्टे। यही आपने बार बार रिपीट करते जाना है लास्ट तक। फिर से रिपीट करेंगे, धागा पीछे रहेगा। ये फंदा यहाँ से उल्टा बुना था, यहाँ से सीधा बुनेंगे। धागा अपनी साइड, सात फंदे उल्टे। तो जितनी भी आपकी रो होंगी उल्टी साइड से, इसी तरह से बनानी है। एक ही बार बताऊंगी आपको उल्टी रो, बाकी आपने इसी तरह से बनानी है। सात फंदे उल्टे बुने, फिर एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी साइड और सात फंदे उल्टे। दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, लास्ट का स्टिच है इसे उल्टा बना लेंगे। दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तीसरी सिलाई सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे, एक फंदा उल्टा, ये दो फंदे इस तरह से लेंगे और बैक लूप से दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। आगे की साइड से दो फंदों का एक बनाएंगे। यहाँ देखें, ये हमारा आठ फंदों का डिज़ाइन है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, यही बार बार रिपीट करेंगे। फिर से धागा अपनी साइड, रिपीट पैटर्न स्टार्ट, एक फंदा उल्टा, दो फंदे इस तरह से टर्न कर लेंगे और दो का एक करेंगे बैक लूप से, एक सीधा। धागा अपनी साइड, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। धागा अपनी साइड, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा। दो को इकट्ठा बुनेंगे आगे की साइड से, धागा अपनी साइड, एक उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे इस तरह से टर्न करके दो का एक करेंगे, एक फंदा सीधा। धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। आगे की साइड से दो का एक करेंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा, एस स्टिच जो इसे सीधा बना लेंगे। तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई, जो यहाँ से उल्टा बुना है सीधा बुनेंगे, बाकी के फंदे उल्टे रहेंगे। सात फंदे उल्टे, एक सीधा, सात उल्टे, एक सीधा। उल्टी साइड से मैंने ये रो बना ली है। देखेंगे आप, अब हमें फंदा जो है दिखना शुरू हो गया है। ये सीधा फंदा जा रहा है, सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बुनना है और ये जो बाकी के उल्टे बुनने हैं। पांचवी सिलाई, सीधी साइड, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये दो फंदे इस तरह से टर्न करेंगे बैक लूप से दो का एक, एक फंदा सीधा। धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। आगे की साइड से दो फंदों का एक बनाएंगे, फिर से रिपीट करेंगे पैटर्न को। एक उल्टा, दो फंदे हैं, इन्हें इस तरह से लेंगे और दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा रहेगा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा। आगे की साइड से दो का एक करेंगे। रिपीट पैटर्न फिर से स्टार्ट करेंगे। एक फंदा उल्टा रहेगा, इस तरह से दो फंदे स्लिप करेंगे, ये सिलाई डालेंगे और दो का एक बनाएंगे। एक सीधा, जाली, एक सीधा, फिर से जाली, एक फंदा सीधा। आगे की साइड से दो का एक करेंगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा और एस स्टिच सीधा बना लेंगे। ये देखें, छह सिलाइयां इसमें कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ जालियां देखेंगे, एक, दो, तीन। तो उल्टी साइड से आपने देखा, जो फंदा उल्टा बना था उस फंदे को सीधा बुना था। अब इसके बाद जो उल्टी साइड से रो होंगी, उल्टी उल्टी बननी है। अब यहाँ पर भी सीधी साइड से भी कोई फंदा, क्योंकि उल्टा नहीं बनेगा तो सीधे बनेंगे, तो उल्टी साइड से भी नेक्स्ट जो हमारी रो होंगी, छह रो, वो हमारी सीधी साइड से सीधे फंदे बुने जाएंगे और उल्टी से उल्टी। तो देखिए, डिजाइन तो हमारा बनता जाएगा आगे भी। ये देखें, ये है हमारी
सातवीं सिलाई, पहला फंदा उतारा, ये उल्टा बुन रहे थे, अब ये सीधा बुनेंगे। यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को इस तरह से टर्न कर लेंगे, दो का एक बनाएंगे। अब तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब ये एक और ये दो फंदे हैं, आगे की साइड से दो फंदों का एक बनाएंगे ऐसे ऐसे। अब यहाँ से जाली बनेगी एक ही साइड, और एक साइड यहाँ पर बनेगी ये उल्टे फंदे के ऊपर। धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी साइड, इस फंदे को देखें और इस फंदे को स्लिप करेंगे बैक साइड से इस तरह से, दो का एक। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, दो का एक। जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी साइड, दो इस तरह से टर्न करेंगे, दो का एक। तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, आगे की साइड से दो का एक। धागा अपनी साइड, एक फंदा सीधा, जाली डालते हुए एच टी सीधा बना लेंगे। यहाँ पर देखा, एक जाली हमारी यहाँ बनी है स्टार्टिंग में, एक लास्ट में, और बीच में यहाँ पर उल्टे फंदे के इस साइड भी एक जाली और इस साइड भी। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। कोई भी फंदा अब सीधा नहीं है, क्योंकि सीधी साइड से कोई फंदा हमारा उल्टा नहीं है। सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। रो 9, पहला फंदा उतारा, अब दो फंदे सीधे, एक और ये दो। जाली डालेंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे, दो का एक बैक लूप से, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो का एक। जाली डालेंगे, एक दो तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, ये दो फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे और बैक लूप से दो का एक, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो का एक करेंगे। धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए तीन फंदे सीधे, धागा अपनी साइड, ये दो फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे बैक लूप से दो का एक, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से दो का एक। जाली डालेंगे, लास्ट में ये तीन फंदे बचे हैं, इन्हें सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। 11वीं सिलाई, पहला फंदा उतारा, इसके बाद तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। यहाँ पर जाली डालेंगे, तीन फंदे हैं, तीन का एक करना है। पहला फंदा इस तरह स्लिप करेंगे, दो फंदों को इस तरह से सीधा बुनेंगे और स्लिप किए फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे। फिर से धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए एक दो तीन चार और ये पांच। जाली डालेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, धागा अपनी साइड करके एक फंदा उतारा, ये दो फंदे इस तरह से बना लिए, दो का एक किया, इस फंदे को ऐसे गिरा देंगे। धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार पांच। धागा अपनी साइड, इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे, नेक्स्ट दो फंदे इकट्ठे बुनेंगे, उतारे हुए फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे। धागा अपनी साइड, जाली डालते हुए एक दो तीन चार फंदे सीधे बना लिए। उल्टी साइड से उल्टी बना लेंगे ये वाली रो। ये देखें,
12 सिलाई जो है बन गई है, तो हमारा हाफ डिजाइन बन गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये उल्टा फंदा बुना था, वो ये तीन फंदों का एक जो किए है यहाँ पर उल्टा आएगा, यहाँ यहाँ और यहाँ, बाकी का पैटर्न उसी तरह से रहेगा। तो आपने ध्यान रखना है स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए 13वीं सिलाई है, पहला फंदा उतारा, एक फंदा सीधा यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा यहाँ पर इस तरह से दो का एक करेंगे ऐसे। अब यहाँ पर हमारा ये आधा डिजाइन बनेगा। रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा, ये फंदा उल्टा रहेगा ऐसे, बीच में हमारा पूरा डिजाइन बनेगा, आधा लीफ ये आ गया, आधा लीफ हमारा ये आ गया, इस साइड आ जाएगा। ये देखिए ये फंदा उल्टा बना लिए है मैंने, धागा पीछे करेंगे, ये दो फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे, दो का बैक लूप से बना देंगे इकट्ठा। इसके बाद एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, यहाँ दो का एक करेंगे आगे की साइड से ऐसे। ये देखिए ये पांच फंदे इस तरह से बनेंगे, और ये जो हमारे आठ फंदे बने हैं ऐसे ही लास्ट तक बनाते जाना है। ये देखिए एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो का एक करेंगे इस तरह से, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, आगे की साइड से इस तरह से दो का एक, धागा आगे, लास्ट में ये फंदे बचे हैं। देखिए ये उल्टा रहेगा यहाँ पर, धागा पीछे। अब हमारे ये पांच फंदे यहाँ पर हाफ लीफ बनेगा हमारा, दो फंदे स्लिप करके बैक लूप से दो का एक बुना। इसके बाद एक फंदा सीधा यहाँ पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, एक स्टिच बचा है स्टिच से सीधा बना लेंगे। तो पांच फंदे ऐसे बनाने हैं लास्ट में। उल्टी साइड में देखिए जैसे दूसरी सिलाई, चौथी और छठी बनाई थी, जो यहाँ से उल्टा है वो सीधा बनाना है, बाकी फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। तो यहाँ शुरुआत के जो पांच फंदे हैं उल्टे रहेंगे, एक, दो, तीन, चार, ये पांच। ये देखिए पहला उतारा, 1 2 3 4, तो चार फंदे उल्टे बुने, इस फंदे को डाल के पांच हो गए। धागा पीछे, एक फंदा सीधा रहेगा। अब हमारे सात फंदे उल्टे रहेंगे और एक सीधा, सात उल्टे, एक सीधा, और लास्ट में हमारे पांच फंदे उल्टे रहेंगे। एक सीधा, सात उल्टे, लास्ट में पांच फंदे बचे हैं, इन्हें उल्टा बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। 15वीं सिलाई, पहला फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा यहां पर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर यहां पर दो का एक करेंगे इस तरह से, आगे की साइड से बनाएंगे दो का एक, पांच फंदे इस तरह से बनाने हैं साइड के। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, उल्टे फंदे से हमारा आठ फंदों का डिजाइन जो है रिपीट होगा, दो का एक इस तरह से, फिर एक, दो, तीन, दो का एक करेंगे आगे की साइड से, फिर से रिपीट पैटर्न, एक फंदा उल्टा, दो का एक, एक, दो,
तीन फंदे सीधे, आगे की साइड से दो का एक करेंगे, एक उल्टा धागा पीछे, दो फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे, दो का एक, फिर एक फंदा सीधा, जाली वाला फंदा यहाँ पर सीधा रहेगा। अब जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा, एच स्टिच जो है इसे भी सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड से जो फंदा उल्टा दिख रहा है वो सीधा बुनेंगे, या अब हमें दिखाई भी देना शुरू हो जाएंगे। देखिए, सीधा फंदा सीधा, उल्टा उल्टे बनाएंगे। अब देखें, 15 रो 15वीं सिलाई, पहला फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, यहाँ जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे इस तरह से, पांच फंदे ऐसे बनाने हैं, फिर धागा आगे, एक उल्टा धागा पीछे, उल्टे फंदे से हमारा 8 फंदों का डिजाइन स्टार्ट है। दो फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक सीधा, जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो का एक करेंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दो फंदों को स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो का एक, एक फंदा सीधा, जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली, एक फंदा सीधा, दो फंदों को आगे की साइड से एक बनाएंगे, एक फंदा उल्टा। ये दो फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो का एक बनाएंगे, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, लास्ट में ये दो फंदे जो हैं सीधे रहेंगे इस तरह से। उल्टी साइड से जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है वैसे बना लेंगे। रो 17वीं, जैसे 13वीं सिलाई बनाई थी और 15वीं बनाई थी वैसे ही बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा उतारा, एक फंदा सीधा, धागा आगे जाली डालते हुए, एक फंदा सीधा, दो का एक आगे की साइड से, फिर एक फंदा उल्टा, दो फंदों को स्लिप करके दो का एक, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, दो का एक आगे की साइड से, धागा आगे, रिपीट करेंगे पैटर्न को, उल्टा फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदों को स्लिप करेंगे दो का एक, एक सीधा, जाली, एक सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, दो का एक आगे की साइड से, एक उल्टा, दो फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे, दो का एक, एक सीधा, जाली डालेंगे, लास्ट में एक फंदा सीधा, एच स्टिच है इसे भी सीधा बना लेंगे। रो 18, 16 और 14 रो की तरह बना लेंगे। इस तरह से मैंने ये रो बना ली है। उल्टी साइड से इस तरह से दिखेगा, ये फंदा सीधा इस तरह से रहेगा, 7 फंदे उल्टे रहेंगे, लास्ट में 5 फंदे उल्टे हैं और स्टार्टिंग में 5 उल्टे रहेंगे। अब 19वीं सिलाई, 19 रो, पहला फंदा उतारेंगे। अब यहाँ पर देखें, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और ये दो, उसके बाद दो का इस तरह से एक बनाएंगे, फिर यहाँ पर जाली डालेंगे। अब सभी फंदे हमारे सीधे ही रहेंगे इस रो में, ऐसे उल्टा फंदा जो है अब सीधा बनाएंगे ऐसे, फिर से यहाँ पर भी जाली डलेगी दोनों साइड, दो फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे और दो का एक बनाएंगे, तीन फंदे सीधे रहेंगे, एक दो तीन,
आगे की साइड से 2 का 1 जाली, ये जो उल्टा फंदा था अब इसे भी सीधा बुनेंगे, फिर से जाली, 2 फंदे स्लिप करेंगे, 2 का 1 बनाया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, आगे की साइड से 2 का 1 जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से जाली, स्लिप करेंगे फंदे, 2 का 1 बनाएंगे, लास्ट में हमारे 3 फंदे सीधे रहेंगे, 1 2 ये 3। अब उल्टी साइड से जो है सभी फंदे उल्टे बनाने हैं क्योंकि इस साइड से सभी फंदे सीधे बने हैं। 21 रो 21वीं सिलाई, पहला फंदा उतारा, एक फंदा सीधा बुना, 2 का 1 करेंगे, आगे की साइड से जाली डालेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 जाली, 2 का 1, 1 फंदा सीधा, 2 का 1 आगे की साइड से जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 जाली, 2 का 1, 1 फंदा सीधा, 2 का 1 जाली, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 जाली डालेंगे, इस तरह से 2 का 1 स्लिप करके लास्ट में 2 फंदे रहेंगे, इन्हें सीधा बना लेंगे। 22 रो जो है उल्टी बना लेंगे। अब देखिए अब आ गए हैं 23 रो, लास्ट रो है हमारी 23वीं सिलाई, फ्रंट साइड की लास्ट रो है। पहला फंदा उतारेंगे, 2 का 1 करेंगे, आगे की साइड से जाली डालेंगे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 जाली, इस फंदे को इस तरह से उतारेंगे, आगे की साइड से 2 का 1 उतारे हुए फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे, जाली बनाएंगे, 5 फंदे सीधे, जाली, ये फंदा उतारा, 3 का 1 करना है यहाँ पर, जाली डालते हुए 3 का 1 बनाया, 2 का 1 बनाया, अब इस फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे तो हमारे 3 फंदे 3 का 1 हो गया, जाली डालेंगे, 1 2 3 4 5 जाली डालेंगे, इस तरह से स्लिप करेंगे बैक लूप से, 2 का 1 लास्ट में, 1 फंदा सीधा बना लेंगे। लास्ट रो जो है कंप्लीट हो गई है। 24 रो 24वीं सिलाई, सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। ये देखिए मैंने ये 24 सिलाइयाँ जो है कंप्लीट कर ली हैं और इस तरह से हमारा डिजाइन जो है बन कर आया है। फिर से फर्स्ट रो जैसा ही रिपीट करेंगे, 1 से लेके 24 सिलाई को बार बार, तो आपका डिजाइन जो है इस तरह से बनता जाएगा। ये देखिए पत्ते जैसा, पत्ते पत्ते बने हैं, बहुत ही प्यारा सा आया है बन के, ये देखिए इस तरह, किसी भी कलर में ये बहुत प्यारा आता है, जरूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, और पास में घंटी का बटन है जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।